आंवला भूमि से जो क्रम पंचमी गण का चालू होता है पूर्णिमा तक वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व इन कार्तिक महीने में दो वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोक। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र इन पांच दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में।